Hey dear friend, this is Ali and you are watching Online Future YouTube channel. So dear friend, इस गेम के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे मेथड देखे होंगे जो एक जगह से वो देखें अभी एक बंदा वहाँ से गायब हो गया. ये क्यों हुआ मैं अभी इसकी डिटेल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे टेलीपोर्ट मेथड आपने देखे होंगे जिसमें से फेरी रिंग, इस तरह की फेरी रिंग जो एक कॉमन मेथड है इसके अंदर, जो सब लॉक करना चाहते हैं अनलॉक उसको करना चाहते हैं. कुछ रिंग्स वगैरह हैं, कुछ नेकलेस हैं और बहुत सारे ऐसे टेलीपोर्टेशन मेथड हैं जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. लेकिन उनके लिए क्या करना होता है, कुछ पेमेंट अदा करनी होती है, मतलब कुछ अपने पैसे खर्च करके वो चीज़ें लेनी होती हैं. लेकिन इसमें जो मेन जो दो मेथड है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है एक फेरी रिंग का और दूसरा जो मैं अभी आपके सामने बताने जा रहा हूँ. मैं इस वक्त ग्रैंड एक्सचेंज, सो डियर मैं यहाँ पे ग्रैंड एक्सचेंज में खड़ा हूँ, ठीक है. तो मेरे पीछे आप देख सकते हो एक ट्री है जिसका फेस बना हुआ है, ठीक है, फनी सा फेस. इसकी मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो सकते हैं. लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए हमें छोटी सी क्वेस्ट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा. तो क्वेस्ट का क्या नाम है मैं अभी क्वेस्ट पॉइंट पर जाता हूँ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ. क्वेस्ट का नाम है ट्री नम विलेज. अब GNOME लोग पढ़ते हैं, जिनोमी इस तरह से, लेकिन इसमें जो जी है वो साइलेंट है. द नम विलेज, नॉम विलेज, ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ना है. अब ये जो क्वेस्ट है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है. अभी आपके सामने एक पेज भी आ गया, ठीक है, इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर क्वेस्ट की बात की जाए तो कोई क्वेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं. स्किल की बात की जाए तो यहाँ पे 13 या 30+ आपका HP होना चाहिए, मतलब हिट पॉइंट होना चाहिए. ये बेस्ट है क्योंकि हमें वहाँ पे एनिमी के साथ लड़ना होगा जिसकी लेवलिंग 112 लेवल का है वो बंदा, ठीक है. और 112 लेवल का बंदा आम बंदा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है. उसके बाद आइटम नीडेड की बात की जाए तो मेरी इन्वेंट्री में आप देख सकते हो 6 रेगुलर लॉग्स हैं, ट्री लॉग्स जो हमारे सामने ये ट्री नज़र आ रहे हैं ना, इसके लॉग्स आपने ले लेने, ग्रैंड एक्सचेंज से परचेज कर ले या आप यहाँ से इसको काट लें, ठीक है, एक्स के साथ. उसके बाद फूड हमें चाहिए, ठीक है. उसके बाद एंटी पॉइजन पोशन हमें चाहिए, ठीक है. एक अगर रिकमेंडेड की बात की जाए आइटम्स की तो फूड, स्टेमिना पोशन मैंने 2 रखे हुए हैं, ठीक है. उसके बाद आपके पास एंटीडोट होना चाहिए, बेस्ट वेपन होना चाहिए. मेरे पास ये है, हैमर है, बेस्ट वेपन होना चाहिए उसको किल करने के लिए. और टेलीपोर्टेशन मेथड आपके पास क्या होना चाहिए, मेरे उस जगह पर जहाँ पर क्वेस्ट कम्प्लीट करनी है उस जगह पर जाने के लिए. तो मेरे पास रिंग ऑफ ड्यूलिंग है. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्वेस्ट को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो डियर फ्रेंड, इससे पहले अगर आप न्यू हो, न्यू वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में इस क्विक क्विस्ट गाइड के रिलेटिव कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. हम लेके आते हैं आपके लिए उर्दू में क्विस्ट के मेथड, ठीक है, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पर रिंग ऑफ ड्यूलिंग पर राइट क्लिक करता हूँ और जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉस्टल वॉर पर. तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हो जाता हूँ टेलीपोर्ट. तो अब यहाँ से मैं आपको वर्ल्ड में अपनी दिखाता हूँ कि हमने जाना कहाँ पे और हमारी क्वेस्ट कहाँ से स्टार्ट होनी है. सो डियर फ्रेंड, ये रही हमारी क्वेस्ट पॉइंट, यहाँ से हमारी क्वेस्ट स्टार्ट होनी है इस पॉइंट से. अब यहाँ पर थोड़ी सी भूल भलाइयाँ बनाई हुई है, हमने इसके अंदर जाना है किंग के पास. तो वो जब हम इस जगह पर पहुँचेंगे तो मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है. तो वर्ल्ड मैप यहाँ से ओपन है तो मैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक है. तो अब यहाँ से निकल के अब कहाँ पे हमने जाना है मैं आपको अभी यहाँ पे गाइड कर देता हूँ. यहाँ से हमने जाना है डियर फ्रेंड, तो इस जगह पर हमने सीधा इस ब्रिज को क्रॉस करना है, फिर इस ब्रिज को क्रॉस करना है इस तरह से जाते हुए, ठीक है. हमने सबसे पहले इस पॉइंट पर जाना है, ठीक है, इस जगह पर. ओके हो गया, तो मैं वहीं पर पहुँचता हूँ. तो सो डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है. यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इस ब्लू फूल बलिया के अंदर जाना है. यहाँ पे ये टेलीपोर्टेशन जो साइन बना हुआ है, ठीक है. तो अब क्या करना है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कैसे जाना है. रास्ता मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े. सो डियर फ्रेंड, यहाँ से आपने चल के जाना है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे और यहाँ से ऐसे आना है, ठीक है, और यहाँ से ऐसे निकलना है, फिर ये 2-3 जगह ऐसे गुजर कर
सीधा डाउन एंड देन इस तरह से आगे ऐसे चलते जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम तो लग जाना है, लेकिन इस जगह पर आपने पहुँचना है, ठीक है। इस जगह पर पहुँचने के बाद हमने सीधा यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे हमारा होगा किंग, उससे टॉक करनी और हमारी जो क्वेस्ट है स्टार्ट हो जाएगी। सो डियर फ्रेंड, तो मैं इसको यहाँ से स्टेमिना पोशन थोड़ा सा पिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा होगा एल्की, इससे बात करनी, ठीक है, और कंटिन्यू करना है, तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा इससे बात करने का, तो बस हमने इससे टॉक करके ना आगे को निकल जाना है। तो मैं आपके सामने वर्ल्ड मैप भी ओपन करता हूँ ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो डियर फ्रेंड, फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास आगे जो ग्रिल है वो टूटी हुई है, तो इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से स्क्यूज़ होके इसके अंदर से गुजर जाना है, बिल्कुल इस तरह से। अब थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ पे हमें किंग मिलेगा, उससे हमने करनी है टॉक, तो वो हमें नेक्स्ट बताएगा हमारा अपना काम के क्या करना है। ये घूम रहा है किंग, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ बॉर्डरिंग पर क्लिक करना है, इससे टॉक करनी, ठीक है। और यहाँ पे हमने सबसे पहले जो ऑप्शन दबाना है वो है टू, ठीक है। कैन आई हेल्प दैट ऑल, उसके बाद स्पेस प्रेस रखनी है, फिर आपने सेकेंड नंबर पर जो काम करना है ऑप्शन नंबर वन दबाना है, वुड यू लाइक टू ग्लैड टू हेल्प, स्पेस प्रेस करनी है। तो ये हमें डायरेक्टली जो हमारी भूल भुलैया से बाहर लेके आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो सबसे पहले काम करना है, यहाँ के इसके पास एक कमांडर होगा बिल्कुल इसी बैटल फील्ड के पास, कहाँ पे जाना है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस जगह पर। तो हमने उससे जाके टॉक करनी है, तो उसने यहाँ पे ये है कमांडर, ठीक है, कमांडर मोंटाई, इससे हमने टॉक करनी है। टॉक करने के दौरान स्पेस प्रेस करनी है आपने, सबसे पहले ऑप्शन वन प्रेस करना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने ऑप्शन टू सेलेक्ट करना है, दोबारा से इससे टॉक करनी है, इस पर क्लिक करके, ठीक है। और इस टाइम हमने ऑप्शन टू प्रेस कर देना है, यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, ये प्रेस करना है, उसके बाद कंटिन्यू। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक ब्रिज होगा, आपने इसको क्रॉस कर जाना है, यहाँ पे हमें एक करेक्टर फाउंड करना है जिसका नाम होगा दी, ये देखें, ट्रेकर नॉम थ्री, इससे हमने टॉक करनी है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस आएंगे, उनको आपने लिख लेना है, अभी जो आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है मैं भी आपको बता देता हूँ, इससे आहिस्ता आहिस्ता स्पेस प्रेस करके बात करनी है, ठीक है। ये आपको कुछ हिंट देगा जिसको आपने लिख लेना है, ठीक है, और उसका आंसर क्या होगा जब उसकी बारी आएगी तब मैं बताऊँगा, आपने इस सेंटेंस को लिख लेना है। ये देखें, ये आ गया, मोर देन वी लेस देन आवर फीट, ठीक है। तो ये रही आपके सामने स्क्रीन, इसके आंसर क्या क्या है। अगर तो ये आए लेस देन माई हैंड्स तो प्रेस करना है वन, मोर देन माई हैंड लेस देन माई फिंगर तो प्रेस करना है टू, अगर मोर देन वी बट लेस देन आवर फीट ये वाला तो प्रेस करना है थ्री। ये आपने लाजमी याद रखना, कब प्रेस करना है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ वो वाला, लेकिन फिलहाल ये आप ऊपर जो आंसर शीट आई है इसको आपने नोट कर लेना, फोर लाइन्स है। और अगर आए माई लेग्स एंड योर लेग्स तो फोर प्रेस करना, ठीक है, कंटिन्यू प्रेस करते हो। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन थ्री है, मैं याद कर लेता हूँ उसको। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये हमारा इससे टॉक ख़त्म होनी है तो आगे चले जाना है। अब कहाँ पे जाना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये था हमारा करेक्टर थ्री, अब उसके बाद हमारा जो करेक्टर आएगा, तीन हमारे करेक्टर होंगे, उसके बाद जो करेक्टर टू होगा वो इस जगह पर हमें मिलेगा, इस जगह पर, और करेक्टर वन जो है इस जगह पर हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं, तो मैं इसको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ।
यहीं पे हमारा एक करेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये देखें, ये ट्रैकर नम वन, इससे बात करनी, स्पेस प्रेस करके रखना है। जैसे इससे बात कंप्लीट हो जानी, आगे चले जाना है करेक्टर वन के पास, वो एक्चुअली में जेल में कैद होगा, उससे बात करनी है, ठीक है। तो इस डोर को ओपन करना है, तो ये करेक्टर टू है, सॉरी वो वन था, इससे टॉक करनी है, स्पेस प्रेस करके रखना, ठीक है। अब हमने दोबारा इस जगह पर आना है, इस पॉइंट पर, ये ब्रिज हमने क्रॉस करनी है, नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे आ जाना है ब्लस्टर के पास, इसको आपने इस पर क्लिक करना है, इसको यूज करना है। अब जो मैंने आंसर शीट आपको दी थी, ठीक है, अब वो यहाँ पे काम आनी है, 1 2 3 4, इस तरह के जो भी आपके आंसर आए होंगे आपने नोट किए होंगे। मेरा था 3 वाला, तो मैं यहाँ से 3 प्रेस करता हूँ, ठीक है, और कंटिन्यू कर देता हूँ यहाँ से। अब दोबारा से हमने ब्रिज क्रॉस करनी है, ठीक है, तो और जाना कहाँ पे है, ब्रिज यहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे हम हैं, ठीक है, तो ये ब्रिज क्रॉस करनी, ठीक है, इससे आगे हमने इस बिल्डिंग के अंदर जाना है, ठीक है, और जाना है इस पॉइंट पर, इसके अंदर एक बॉक्स होगा, उसको ओपन करके एक स्टोन निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ले कर चलता हूँ, ठीक है, तो हिट पॉइंट आपका अच्छा होना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे एनिमी होंगे। यहाँ से आपने इसको क्रॉस कर जाना है, कंटिन्यू स्पेस से, ठीक है, इस डोर को ओपन करना है। यहाँ पे कुछ आपको हिट करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपका हिट पॉइंट अच्छा होना चाहिए। इस डोर को ओपन करना है साथ वाले को, और ये जो लेडर है यहाँ से क्लाइम अप कर जाना है, यहाँ से ये रही बॉक्स, इसको ओपन करना है, इसको क्लिक करना है, यहाँ से सर्च करना है, तो ये देखिए एक स्टोन हमारे पास आ गया, ठीक है। दोबारा से डाउन कर जाना है यहाँ से, अब जो है सामने वाला डोर ओपन करना है। अब हमने इसको लेके दोबारा से अपने किंग के पास जाना है, मतलब ये क्रॉस करना है इधर से आगे। अब हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा किंग के पास जाने के लिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो उसको किया वो हमें डायरेक्टली ले जाएगा, कुछ ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम पुल क्रॉस करता हूँ मैं यहाँ से, तो मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ जी अपनी भूल भुलैया के पास, यहाँ पे हो गया एल की, बस उससे हमने फॉलो या उस पर राइट, उस पर क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करके या फॉलो, तो ये हमें डायरेक्टली किंग के पास ले जाएगा। अब हमें भूल भुलैया क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इधर हमने जो ड्रिल टूटी हुई है इसको एक्सक्यूज़ करके निकल जाना है आगे। किंग के पास चलते हैं, उससे हमने करनी है जी बात, और ऑप्शन जो है आपने प्रेस करना वन, ये रहा किंग, इससे मैं बात करता हूँ। ये हमें हमसे एक जो है ना ले लेगा ये स्टोन, और फिर इसको दो ला के देने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमने करना है वन सेलेक्ट, ये वाला। सो ये हमें फिर बाय टेलीपोर्ट कर देगा। अब हमने कहाँ पे जाना है, अब हमने जाना है इस पॉइंट पर, ठीक है। ये हमने यहाँ से करनी है क्रॉस पुल, पहले हम गए थे इस जगह पर, हमारा एरिया था। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से ये पुल क्रॉस करनी है, और यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर आना है। यहाँ पर हमें 112 लेवल के बंदे को किल करना है, ठीक है, उसके बाद हमारी जो क्वेस्ट है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको रनिंग मोड में लाता हूँ और जल्दी से वहीं पे लेके जाता हूँ। सो डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है, लेकिन हमने ये वाले नहीं, जिसका लेवल ज़्यादा होगा ना, ये वाला 112 वर्ल्ड लॉर्ड,
वॉरलॉर्ड, सॉरी वॉरलॉर्ड, इस पर हमने क्लिक करके इसको इस पर अटैक कर देना है। और इसके जब इसको हम किल करेंगे, ठीक है, तो ये हमें देगा 2 स्टोन। तो ये अटैक शुरू कर देना आपने इसके ऊपर, फूड का आपने ख्याल रखना है। सो डियर फ्रेंड, फाइनली हमने इसको जो किल कर दिया, यहाँ से जल्दी से ये प्रोटेक्शन जो ये 2 मिलेंगे हमें स्टोन, इसको लेके दोबारा से अपने वही भूलभुलैया वाले एरिया पे चला जाना जहाँ पे किंग होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी सा फूड देकर तो इसको रनिंग मोड में लाता हूँ और यहाँ से हम चलते हैं वापस। सो डियर फ्रेंड, हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे जो बंदा होगा इस पर राइट क्लिक करके फॉलो करना है, ठीक है। तो ये हमें सीधा उसके पास ले जाएगा, यहाँ से हमने ग्रिल जो है क्रॉस करनी है और जो किंग है उससे टॉक करके उसको जो है पत्थर दे देने हैं। और यहाँ पे जो है लास्ट में हमारी क्वेस्ट हमें कंप्लीट हो जाएगी हमारी क्वेस्ट, और हमें वो रिवॉर्ड के तौर पर कुछ एक्सपी वगैरह देगा और साथ में ये हमारा जो ट्री स्पिरिट है अनलॉक हो जाएगा। मैं आपको टेलीपोर्ट भी होके दिखाऊंगा हमारी ग्रैंड एक्सचेंज में, ठीक है। स्पेस प्रेस करनी है। सो डियर फ्रेंड, फाइनली हमारी जो क्वेस्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हमें रिवॉर्ड के तौर पर 2 क्वेस्ट पॉइंट, 11,450 अटैकिंग एक्सपी मिला है और साथ में नम एमुलेट ऑफ द प्रोटेक्शन मिल गया, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं ट्री को। अगर मैं इस पर करता हूँ क्लिक, यहाँ पे राइट क्लिक और देख सकते हैं ट्रेवल ट्री स्पिरिट, तो इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखें मुख्तलिफ एरियाज़ यहाँ पे आ गए हैं। तो मैं यहाँ पे ये देखे 4 नंबर पर ग्रैंड एक्सचेंज है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमें टेलीपोर्ट लेके चलेगा जी ग्रैंड एक्सचेंज। तो यहाँ से हमने क्वेस्ट स्टार्ट की, हम वापसी वहाँ पे आ गए। तो डियर फ्रेंड, ये आई होप कि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो रहेगी क्योंकि इससे हम अनलॉक कर चुके हैं कम से कम एक तो हमारा ट्रैवलिंग पॉइंट को, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी जो क्वेस्ट है कम्प्लीट हो चुकी है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। इसको बड़े आराम से ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम लेके आते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो ट्यूटोरियल। और इन फ्यूचर में इंशाल्लाह हम इस पर मज़ीद मनी मेकिंग के भी मेथड लेके आएंगे, तो उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। सो डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें, लाइक कीजिए। अगर आपने कुछ चीज़ को कंप्लीट कर लो तो कम से कम मुझे ये बताया करो कमेंट्स में कि चलो इतना ही लिख दिया करो कि आई हैव डन, यानी कि आपने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आए तो उतना सा स्नैपशॉट आप मुझे भेज सकते हो कि यहाँ से मुझे समझ लगी तो मैं वहाँ से आपकी हेल्प कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।